कंटिन्यूटी में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो सबसे पहले उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट्स, बेसिक फंडामेंटल लिमिट्स के क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग जो लिमिट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं वो होता है साइन एक्स अपॉन एक्स। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए कि यदि अगर आपके पास कोई फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, आप उसको वन तभी लिखेंगे जब एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन मैंने कई बच्चों को ध्यान दिया है, चाहे x2 की तरफ अप्रोच कर रहा हो चाहे x1 की तरफ अप्रोच कर रहा हो, वो तो भी sin x upon x को 1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप sin x upon x को 1 तभी लिखेंगे जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हो। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी, और इसी पे बेस एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसका आंसर लोग ज्यादातर गलत लिख देते हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा और ऑलरेडी वो बोर्ड्स में काफी बार आ चुका है। उसके बाद बच्चों, जो दूसरा लिमिट्स का कंसेप्ट यूज होता है, दिस इज टेन एक्स अपॉन एक्स। होपफुली आप लोग ये भी जानते हैं कि टेन एक्स अपॉन एक्स भी क्या होता है, वन होता है। तो बच्चों इस तरह से जो लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़े हैं वो बेसिक स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप पे आते हैं, उसको लिखते हैं, व्हाट इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप और कंटिन्यूटी। तो बच्चों अब हम लोग एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप को भी लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखना चाहते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से आराम से पढ़ते रहिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x equal to a of its domain। तो बच्चों अगर आप किसी फंक्शन को फंक्शन कह रहे हैं तो इसका मतलब 100% आपको क्लियर है कि वो अपनी डोमेन में डिफाइन होना चाहिए, वो तो सारे ही फंक्शन होते हैं। उसके बाद अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपनी डोमेन में, तो बच्चों आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है। रिलेशन होता है लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स a fx is equal to fa। तो बच्चों हम लोग इसके डेरिवेशन पे नहीं जाने वाले हैं, हम लोग को ये स्टैंडर्ड बस पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की लिमिट है, यानी कि जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस पर जो फंक्शन की लिमिट है वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप इस बात को लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस a या x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। तो बच्चों ये कंटिन्यूटी की एक बेसिक डेफिनेशन है, आपको ये 100% पता होनी चाहिए। लेकिन बच्चों अब यहां पे कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है, जब फंक्शन अलग अलग डिफाइन किया जाता है, यानी कि a से पहले और a के आगे जब फंक्शन अलग अलग डिफाइन किया जाता है तो वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होना चालू हो जाता है। लेट्स से हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है ए पर, लेकिन ए पर फंक्शन ना दे करके कहां दिया गया है, ए से फंक्शन की लिमिट हमको लेफ्ट हैंड साइड से निकालनी पड़ती है, फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करना पड़ता है। यानी कि जब हमको एलएचएल और आरएचएल लिमिट निकालनी होती है तो कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने जो बोर्ड्स की कॉपी देखी है वहां पे एलएचएल आरएचएल कंसेप्ट आपका गलत हो जाता है। तो बच्चों कुछ तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चंस, जहां पर आपके पास ये रिलेशन जो अभी हमने बताया है वो एज इट इज फिट हो जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ आपके पास ऐसे रिलेशन होंगे जहां पर डेफिनेशन अलग अलग होंगी, उस केस में ये फिट नहीं हो पाता। हमको a माइनस पर फंक्शन की लिमिट अलग निकालनी होती है और a प्लस पर फंक्शन की लिमिट अलग निकालनी होती है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो fa के बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों ये भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सर जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो उसमें एच वाले टर्म्स काफी ज्यादा आते हैं, उससे क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि एच एच करके काफी सारे टर्म्स आपको दिखाई देंगे। तो बच्चों उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिमिट्स का कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि लिमिट्स आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको दो स्टैंडर्ड्स लिखवाए
और भी स्टैंडर्ड है वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कंटिन्यूटी का डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या है ये पता होना चाहिए कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले। और बच्चों जो एच वाला कंसेप्ट होता है वो आप क्वेश्चंस में कहीं लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर बिना एच वाला कंसेप्ट लगाए काम ही नहीं बनता है। तो लेट्स से हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अभी सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। दिस इज एग्जामिन द फंक्शन। तो बच्चों मैंने आपको एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन है आपका एफ टी गिवन बाय। तो बच्चों आपका जो फंक्शन है एफ टी वो मैंने आपको लिख करके दिया है। दिस इज कॉस टी, मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूं, दिस इज कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी। ये फंक्शन तब डिफाइंड है जब टी पाई बाई टू के इक्वल नहीं है, और जब टी पाई बाई टू के इक्वल है तो इस फंक्शन की वैल्यू वन है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या एग्जामिन करना है इस फंक्शन के लिए जो आपको गिवन है। आपको एग्जामिन करना है कि ये टी इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी एट t is equal to pi by 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने अभी लगाया है, तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बोर्ड्स के अभी काफी सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं। तो बच्चों अगर जिन बच्चों ने क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ रखी है तो वो क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उसको लिए क्लास 12th का ही तरीका अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू वन है, ठीक है, वो क्लियर कट आपको फंक्शन में नजर आ रही है। और जब आपका जो टी है वो पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई टू नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? वो पाई बाई टू से कम भी हो सकता है, पाई बाई टू से ज्यादा भी हो सकता है, यही तो मतलब हुआ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एल एच एल लिमिट का कंसेप्ट लाते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों एल एच एल लिमिट आपको लिखते हैं, इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, आप देखिएगा जरूर इस बात को। तो बच्चों अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम टी को पाई बाई टू से छोटा लेंगे, ठीक है ना भाई। फंक्शन अगर एक्स का होता तो आप लिखते एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू माइनस, यहां फंक्शन मैंने टी का लिखा है तो हम लिखेंगे टी स्टैंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू माइनस एफ टी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब बच्चों ये इसके आगे का फिक्स स्टेप होता है, टी आपका क्या है पाई बाई टू से छोटा है, कितना छोटा है, मान लीजिए छोटा है वो पाई बाई टू माइनस एच। अब एच कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो फंक्शन बहुत छोटा हो जाएगा पाई बाई टू से। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे जो कहते हैं, हम कहते हैं ये जो एच है ये अप्रोच जीरो की तरफ ही कर रहा, मतलब बहुत बड़ा ये एच की वैल्यू नहीं है। तो बच्चों ये वाला जो भी मैंने स्टेप लिखा है ये आप सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप हर क्वेश्चन में इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अभी तो मैं पाई बाई टू पे चेक कर रहा हूं तो मैंने पाई बाई टू माइनस एच लिखा है, अगर मैं मान लो टू पे चेक करता तो मैं टू माइनस एच लिखता। लेकिन बच्चों एच हमेशा जीरो की तरफ ही अप्रोच करता है, दिस इज द फिक्स स्टेप। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को इवेल्युएट करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। तो बच्चों आपके पास जो फंक्शन है तो वो फंक्शन में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है cos t upon pi by 2 minus t, उसमें जहां जहां t है उसको pi by 2 minus h से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो ये pi by 2 minus h whole divide by pi by 2 minus pi by 2 minus h, इस तरीके से बच्चों मैंने लिखा इसको। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड जस्ट आपको बताया वो यहाँ पे यूज हो जाएंगे। अब आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, तो बच्चों ये लिमिट सॉल्व हो करके 1 आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये एलएचएल लिमिट का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो इस मेथड को ना अपना करके वो किसी और मेथड से भी कर लेते हैं, तो वो कौन सा ऑल्टरनेट मेथड यूज करते हैं उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये एलएचएल लिमिट क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों हम लोग आरएचएल लिमिट की तरफ कंसिडर करते हैं।
तो बच्चों हम लोग आरएचएल लिमिट लेंगे अब। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट टी टेंडिंग टू वर्ड्स पाई बाई टू प्लस आरएचएल, मतलब टी पाई बाई टू से बड़ा होगा, एफ टी इज इक्वल टू, अब बच्चों आपका जो टी है वो पाई बाई टू से बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, पाई बाई टू, क्या लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस एच। तो क्या लिखेंगे इसको, पाई बाई टू प्लस एच, यानी कि एच किसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा, जीरो की तरफ। तो बच्चों ये स्टेप लिखने में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये स्टेप एकदम फिक्स रहता है, एच हमेशा ही जीरो की तरफ टेंड करेगा अगले स्टेप में, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि जो बच्चों एच का इंटरवल होता है वो अगर बहुत बड़ा ले लेंगे तो आपका फंक्शन पाई बाय टू से, टी उसका पाई बाय टू से काफी बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेबरहुड में लिमिट निकालते हैं, लेकिन वो जो इंटरवल यानी जो विथ लेते हैं एच की, वो बहुत ही छोटी होती है और वो हमेशा ही जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। और बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिफरेंशिएबिलिटी में भी कुछ ऐसी ही डिफाइनिंग रिलेशनशिप यूज करते हैं जिसको हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो अब आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं अपने आप से। दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच होल डिवाइडेड बाय, बच्चों जो आपका फंक्शन था उसमें मैंने जहां जहां टी है उसको पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो, बच्चों ऊपर भी माइनस साइन एच आएगा, नीचे भी माइनस एच होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एच अपॉन एच होगा, तो ये वैल्यू वन आ रही है। तो दैट मींस बच्चों यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया कि एफ ऑफ पाई बाई टू भी आपका वन है। इसका मतलब बच्चों कि टी जब पाई बाई टू से छोटा मैंने लिया उसकी लिमिट निकाली, टी मैंने पाई बाई टू से बड़ा लिया उसकी लिमिट निकाली, और वो किसके बराबर आ गई बच्चों, एफ ऑफ पाई बाई टू के, यानी कि वन के। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है बच्चों, वो 100% कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन ये अगर आप एक समझ सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं, बिल्कुल यही सेम एल्गोरिथम होती है टी वाली, कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं आता है। अब बच्चों मैं आपके इस तरीके से करता हूं, आप क्या करते हो, कई बच्चों को ये मेथड अभी तक नहीं समझ में आया था तो वो कैसे कर रहे थे क्वेश्चन को, उन्होंने हमको सॉल्यूशन भी आपने भेजा था, तो मैं आपका उस सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूं। तो बच्चों आपका जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन है आपका कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी, जब आपका टी पाई बाई टू नहीं है, और वन है जब टी आपका पाई बाई टू है, ये लिखते हो आप क्या करते हो, आप कहते हो सर एच वाले में कंफ्यूजन होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि हमें एग्जामिन करना है टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, तो हम पाई बाई टू पर इस फंक्शन की जो लिमिट होती है वो हम एफ ऑफ पाई बाई टू के बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, यही तो करते हैं आप। तो बच्चों वो एलएचएल आरएचएल का कोई कंसेप्ट लगाते ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि सर ये वाली जो लिमिट आपने लिखी है, ये वाली तो लिमिट हमको सॉल्व करना आती है, तो हम ये एलएचएल आरएचएल के कंसेप्ट के झंझट में क्यों पड़े। तो बच्चों अगर ये लिमिट आपको सॉल्व करना तभी आती है क्योंकि आपके शायद क्लास 11th के कंसेप्ट अच्छे रहे होंगे, इसलिए आप इसको सॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने 11th में लिमिट ना पढ़ी हो, तो वो हो सकता है ना कर पाए। ओके, तो बच्चों इस तरह की लिमिट अगर आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई है तो आपको सिखाया गया था कि लिमिट्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप याद करिए तो आपको पढ़ाया गया था एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स थ्री पाई बाई टू, या एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स टू पाई, इस तरह की लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कभी भी आती थी तो आप क्या करते थे, आप टी माइनस पाई बाई टू को क्या मान लेते थे, कुछ एच वगैरह या कुछ अपने मन से मान लेते थे, लेट से आपने एक्स मान लिया, ऐसे ही आप करते थे अगर आपको याद हो। और बच्चों आप कहेंगे कि अगर टी पाई बाई टू की तरफ टेंड करेगा तो एक्स किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा और पूरा क्वेश्चन आप टी से
एक्स में कन्वर्ट करके ले जाते थे। आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा कि आप क्लास 11th के कंसेप्ट को यूज करके किस तरह से क्वेश्चन किया करते थे। ओके, तो यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉस 90 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किसी का भी कॉस लेंगे तो नेगेटिव होगा, और पाई बाई टू पे नेचर बदल जाता है तो माइनस साइन एक्स, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, दिस इज माइनस एक्स, और बच्चों ये वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब ये f ऑफ पाई बाई टू जो कि ऑलरेडी 1 के बराबर है, ये उसके इक्वल है। तो बच्चों अगर आप इस कंसेप्ट से कर रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। लेकिन बच्चों इस तरह का जो कंसेप्ट है ये हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पे ना अप्लाई हो पाए डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको h वाला कंसेप्ट भी सेफ साइड में बता दिया है। और बच्चों h वाला कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना? तो बच्चों आप इस लिमिट को क्लास 11th के स्टैंडर्ड से यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस को सर किस तरह से करते चले जा रहे हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे और उनको भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। ये बच्चों डेफिनेशन तब है जब x लेस देन 0 है, a है जब x इक्वल टू 0 है, और बच्चों जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू है रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। तो बच्चों ये भी आपके सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एच वाली कंसेप्ट से करिए या डायरेक्टली जैसे आपको मैंने समझाया वैसे करिए। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन में आपको अब आप पूरा प्रॉपरली लिख देता हूं। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में लिख करके आया था। क्वेश्चन है Determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0। तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x equal to 0 पर। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों ये तो देखो कुछ प्रॉपर रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ही गिवन है कि पहले से ही कंटिन्यूअस है तो 100% जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वही राइट हैंड लिमिट आएगी, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और वही वैल्यू एफ ए यानी कि ए के बराबर हो जाएगी। समझ गए आप? तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आपके पास जो मेथड आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। कहां पे चेक करना है ये पॉइंट जरूर चेक करिएगा, इसमें भी आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। आप किसी रेंडम पॉइंट पे थोड़ा ना चेक करने लग जाएंगे, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है कि चेक द कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जो इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं आप उन्हीं पे कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कोई भी पॉइंट उठा करके चेक करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये आप में से किसी बच्चे का डाउट भी था जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, हमेशा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी जो इंडिकेटेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया x equal to 0, और नहीं भी देता तो भी क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि 0 के ही LHL और RHL में फंक्शन डिफाइन किया गया है। That means आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो x equal to 0 के आसपास ही चेक करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अपने मन से 100 ले लेंगे, 200 ले लेंगे, माइनस 1 ले लेंगे, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले लिमिट स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन आंसर। चलिए तो लिमिट कहां पे चेक करेंगे, x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको h के कांसेप्ट से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप बताओ? आप लिखोगे सर x क्या है 0 से छोटा है, तो हम क्या लेते हैं 0 से थोड़ा छोटा यानी कि 0 माइनस h, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी अगर आप इसको वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, आप लिखोगे 0 माइनस एच, ऐसे तो लिखोगे भाई 0 से छोटा कितना छोटा, 0 माइनस एच, जहां पर एच किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ,
बोलो ये बात समझ में आई। उसके बाद बच्चों आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करोगे और उसमें कौन सा फंक्शन यूज करोगे जब x जीरो से छोटा है, यानी कि ये वाला ऊपर वाला फंक्शन यूज करोगे, इसकी लिमिट आप प्रॉपरली निकाल लोगे। बोलो h वाला कंसेप्ट अब समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन था कि सर ये एच एच जो लिखा रहता है ये समझ में नहीं आता, ये एच एच क्या करना क्या होता है एच एच। अब आप बच्चों क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन में क्या करेंगे, x जहां जहां x लगाए उसकी जगह माइनस h को डाल देंगे। अगर आप डालना चाहें डाल के निकाल दीजिए, आपका मन। ओके तो डालते हैं बच्चों, वन माइनस कॉस फोर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एच अपॉन नीचे माइनस एच का स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ये वाली लिमिट्स तो क्लास इलेवेंथ पे डिपेंड करती है कि अगर आपने क्लास इलेवेंथ में थोड़ा सा भी सही ढंग से पढ़ा होगा तो ये लिमिट तो आपके बाएं हाथ का काम है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है, इसलिए वहां पे माइनस का असर नहीं पड़ा, वो एज इट इज कॉस फोर एच हो गया। तो ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा ना कि कॉस का फॉर्मूला ऐसा लगाते हैं जिससे वन कैंसिल हो जाए, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एच, क्योंकि फोर एच का आधा क्या होता है टू एच। बोलिए भाई समझ में आ गया सबको, लिमिट एच टैंडिंग टूवर्ड जीरो, यहां तक के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वन से वन कैंसिल, टू साइन स्क्वायर टू एच, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, साइन टू एच एच एच। भैया ये तो मैं मान के चल रहा हूं ना कि क्लास इलेवेंथ की लिमिट आपको आती होगी, तभी तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, अपने मन से थोड़ा ना हो जाएगा क्वेश्चन ये। ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जनरेट कराएंगे। स्टैंडर्ड देखो जनरेट कराने में आप क्या गलती करते हो, नीचे बच्चों ने टू से मल्टीप्लाई किया, फिर टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर एक टू से नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर एक टू से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इधर ध्यान दो बच्चों, सभी इधर ध्यान दो, आपको ऐसे सोचना होता है अपने मन में कि अगर h जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2 into h यानी कि 2 into 0 भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ ही अप्रोच कर रहा है ना, तो इसका मतलब आप यहां पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, और जैसे ही बच्चों इस आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे आपका आंसर निकल करके ऑटोमेटिक आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 8। लेकिन आप बच्चों अगर सारे स्टेप्स लिखना चाहते हो तो आप सारे स्टेप भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वन, और वन का स्क्वायर भी वन, तो दैट इज वन इंटू एट, दैट इज इक्वल टू 8। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज नॉट अ बिग डील। ओके तो सभी बच्चों को इसकी लिमिट्स निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर अब जो एक्स है वो आप क्या लेंगे, जीरो से बड़ा लेंगे, और इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट fx, और ये हो जाएगा सर x अगर जीरो से बड़ा है तो कितना बड़ा है, मान लो जीरो प्लस h हो गया, लेकिन h थोड़ा ना बड़ा है, h तो वो भी बहुत छोटा है, हल्का सा बड़ा। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो fh, ठीक है। तो यहां पर h आ गया, इसको x लिख दीजिएगा। ओके तो ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं लिख देता हूं दोबारा, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है सही है। ओके तो यहां तक के सारे स्टेप्स एक बार अभी आप क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये एच वाले कंसेप्ट में कोई भी डाउट ना रखिएगा, अगर ये पाई बाई टू होता तो हम पाई बाई टू प्लस एच लिख देते, है ना, मान लो अगर लिखा होता है एक्स टेंडिंग टू टूवर्ड्स पाई बाई टू प्लस, तो हम पाई बाई टू प्लस एच लिख देते। तो ये एच वाले कंसेप्ट पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करिएगा, क्योंकि अगर आपको एच वाले कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए तो भैया फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो यहां तक के कंसेप्ट क्लियर, अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों जब जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़े में आपको फंक्शन क्लियर कट, देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे दोबारा हाईलाइट किया है, दिस इज रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। तो बच्चों इस लिमिट का इवैल्यूएट करना है, इस लिमिट को आप इवैल्यूएट कर लीजिए।
और जब आप इस लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, आएगा तो 80 आएगा। लेकिन अगर आप इसको क्लास 11th के मेथड से सॉल्व करोगे तो क्लास 11th में इस तरह की लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया गया है, आप इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप प्रॉपरली खुद से सॉल्व कर लीजिए बिना मेरी हेल्प के। तो बच्चों ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, मेरी वैसे कोई नीड पड़ेगी नहीं। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, तो रूट एक्स से रूट एक्स बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप h क्या करेंगे, जीरो की तरफ डाल देंगे, जैसे ही डालेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जहां जहां मैंने x लिख दिया है क्योंकि वहां पे एफ एच लिखा है, तो जहां जहां x लिख दिया है वहां पे आप h लिख दीजिएगा, बस इतना काम आपको करना है क्योंकि वो एफ एच लिखा था, ठीक है। तो बस इतना आप सही कर लीजिएगा, दिस इज h, ठीक है। तो बच्चों अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपके 100% 8 निकल करके आ गई है। तो इसका मतलब LHL और RHL लिमिट आपकी इक्वल है, और वो किसके इक्वल आ रही है, 8 के, यानी आपका फंक्शन गिवन था पहले से ही कंटिन्यूअस है, तो यानी कि a की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 8। इसका मतलब जब a की वैल्यू 8 होगी तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं भी कोई डाउट मत क्रिएट करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट आ रहा है तो मैं आपको अभी और क्वेश्चंस भी करा देता हूं, और एक अभी ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जिसको आप 100% एग्जाम में गलत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो फंक्शन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे डाल रहा हूं। दिस इज इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब x आपका जीरो नहीं है, और जब x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका मैंने लिख दिया है आपकी स्क्रीन पे, आप चेक कर लो। और क्वेश्चन है बच्चों आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, यानी आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, कहां डिस्कस करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है ना। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये ज्यादातर लोगों का गलत ही हो जाता है, तो अब आप इसको चेक करिएगा कि आप पहले आप अपना भी टाइम ले लीजिए, और आप भी देख सकते हैं कि खुद से भी निकाल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप लिमिट्स का स्टैंडर्ड क्या लिखेंगे, कि अगर कंटिन्यूअस है तो x जब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो एफ एक्स एफ जीरो के बराबर होगा, यही तो लिखोगे। और अगर मान लो आपको h वाला कंसेप्ट टफ लगता है तो h वाले कंसेप्ट की तरफ ना जाओ, आप डायरेक्ट इस लिमिट को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। भैया कैसे हो जाएगा, आप लिखो इस लिमिट को इवैल्यूएट करो, ये है लिमिट आपकी। अब जब आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हो तो आप क्या करते हो, वो मेरे ख्याल से अब तो आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। तो कैसे इवैल्यूएट करते हो आप इसको, आप इसको इस तरह से लिखते हो, एक्स साइन 1/x, और नीचे भी आप लिख देते हो 1/x। देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने देखो किस तरह से डील किया हुआ है, जरा ये ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को मैंने किस तरह से डील किया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ये जो अंदर का जो ब्रैकेट है जिसको लिखा हुआ है साइन 1/x अपॉन 1/x, इसको आप लोग 1 समझ बैठते हो, तो चेक करते हैं ये 1 है कि भी नहीं है, क्योंकि आप कहते हो कि साइन x अपॉन x 1 होता है तो साइन 1/x अपॉन 1/x भी 1 होगा। लेकिन बच्चों ये अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तुम कहोगे अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन के अंदर का एंगल किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर आप साइन का कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ से ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ होता है, और बच्चों ये साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, इसकी डोमेन आपको सबने बताई, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। क्यों होती है, क्योंकि ये हर एक्स पर कोई ना कोई वैल्यू दे देता है, कोई भी आप एक्स डालिए
इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपके पास निकल करके आ जाएगी, है ना। यही तो होता है, कहीं से भी आप कोई भी ले लीजिए उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर निकल करके आ जाएगी। तो बच्चों उसकी डोमेन क्या होती है साइन एक्स की, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन बच्चों ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब कोई भी एक्स डालो इसकी वैल्यू लेकिन माइनस वन से वन के बीच में ही आएगी, है ना। कोई भी एक्स डालो तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन के बीच में ही आएगी। तो बच्चों आप गलती से भी इस तरह से स्टेप्स ना लिख करके उसको वन इंडिकेट करने की कोशिश मत करिएगा, वरना वो गलत हो जाएगा। अब आप करेंगे कैसे, अब आप इसको लिखेंगे एज इट इज जैसा वो लिखा हुआ था, यानी कि साइन स्क्वायर साइन वन बाय एक्स। और आप इसके लिए इंडिकेट करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये माइनस वन से वन के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है साइन वन बाय एक्स, जब एक जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू जो भी होगी ये माइनस वन से वन के बीच का ही कोई नंबर होगा। और अगर माइनस वन से वन के बीच का कोई भी नंबर हो उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और इस फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमने निकाली वो जीरो आ रही है, और एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो ही है। मतलब ये किसके बराबर आ रही है, एफ जीरो के भी बराबर आ रही है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आप समझ गएंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा 100% क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी अब जल्दी मूव कर रहे हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन tan 2x इफ x लेस देन 0, 3 बाई 2 इफ x इक्वल टू 0, ln ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। तो बच्चों आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि ये x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आपको x इक्वल टू जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है वो है कि नहीं है। अब बच्चों अगर आपको लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स ना पता हो तो मैं वापस वहीं पे पहुंच करके आपको लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स बता देता हूं दोबारा। ये देखिए आपका दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट का मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, दिस इज लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, बच्चों ये वन होता है। लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो ln वन प्लस x अपॉन x, ये भी बच्चों वन होता है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आपको पहले से पता होने चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन क्लास 11th। तो ये स्टैंडर्ड अगर आपको पता होंगे तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। x स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन x, तो ये बच्चों होता है ln a, ठीक है। तो मैंने सारे स्टैंडर्ड्स आपको लिख करके भी दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों अगर आप h वाले कांसेप्ट नहीं लगा पा रहे तो अगर आपको क्लास 11th की लिमिट्स अच्छे से आती है तो वो भी लगा सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बेहद आसान। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड 0 माइनस fx। तो x अगर 0 से छोटा है, तो जीरो से छोटे पर कौन सी लिमिट होगी, सबसे ऊपर वाली, वो क्लियर कट आपको विजिबल है। दिस इज साइन 3x अपॉन टैन 2x। तो बच्चों बिना h वाला कंसेप्ट लगाए हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये देखना होगा कि इस लिमिट को इवेल्युएट कैसे करें। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी क्लास 11th की लिमिट्स के ऊपर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था वही आप कंसेप्ट यूज करिए, लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स यूज करिए और आपको क्लियर कट यहाँ पे विजिबल हो गया होगा कि लिमिट्स का स्टैंडर्ड यहाँ पे फाइनली लग गया है। तो बच्चों ये हो गया 3 बाई 2 टाइम्स
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस साइन 3x अपॉन 3x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस tan 2x अपॉन 2x. तो बच्चों ये वैल्यूज तो 1 हो गई, तो इसका फाइनली आंसर आ गया 3/2. तो क्लियर सबको, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर आप h से करना चाहें तो h से भी कर सकते हैं. और बच्चों हम लोग RHL लिमिट निकालेंगे, तो RHL लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस. 0 प्लस पे फंक्शन कौन सा है, सबसे नीचे वाला, दिस इज ln 1 प्लस 3x होल डिवाइड बाय e की पावर 2x माइनस 1. तो इसको आप बच्चों अपने हिसाब से सॉल्व करते जाइए. क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जनरेट कराने के लिए हम ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे x से डिवाइड करेंगे. तो ये बच्चों मैंने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब बच्चों क्या करेंगे फर्दर स्टैंडर्ड जनरेट कराने के लिए, क्योंकि ln 1 plus x upon x 1 होता है, यहां 3x है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से स्टैंडर्ड आपने यहां पे भी जनरेट कर दिया, और ये वैल्यू 3/2 ही आ रही है, ठीक है. तो बच्चों ये किसके इक्वल है, ये f of 0 के इक्वल है. इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/2. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/2. तो बच्चों 3/2 पर फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया. अब आप देख लीजिए, अगर आपको कोई अभी भी डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, वरना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे. तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी अगली क्लास का जैसे ही मैसेज आए तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं क्लास ड्रॉप कर दूंगा, फिर छोड़ दूंगा. तो अभी हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और भी क्वेश्चंस करने के लिए. और भी क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं. तो हम लोग यहाँ से वापस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेकिन अगर आपके पास अगली क्लास का जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप मेरे को तुरंत बता दीजिएगा. तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू इन 1 माइनस साइन क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स. ये तब है जब एक्स आपका पाई बाई टू से छोटा है, और ये है ए जब एक्स आपका पाई बाई टू के इक्वल है, और ये है बी टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. ये बच्चों है जब एक्स आपका पाई बाई टू से बड़ा है. क्वेश्चन काफी आसान है, आपको अगेन यहां पर ए और बी की वैल्यूज निकालनी है और फंक्शन कंटिन्यूअस है. आपको बच्चों ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है. कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप कहोगे सर अगर हम लोग डायरेक्टली करना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x स्टैंडिंग. बच्चों यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे पाई बाई टू है, तो हर जगह जीरो लिखने की आदत मत डाल दीजिए, या इंडिकेटेड पॉइंट से पाई बाई टू. तो ये फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है, तभी पाई बाई टू पे ही डेफिनेशन दी गई है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी पाई बाई टू माइनस, और पाई बाई टू से जब x छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स. तो बच्चों ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करें. तो दिस इज पाई बाई टू माइनस 1 माइनस साइन क्यूब एक्स. सबसे पहले आपको आपके सर ने बताया हुआ कि डायरेक्ट वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, और सब्सिट्यूट करने पर अगर 0/0 फॉर्म आ जाता है तो वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है. इसका मतलब आपको इस लिमिट्स को किसी भी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. कई बच्चे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लेकिन मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल आपकी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2021 में नहीं इंक्लूडेड है, इसलिए आप एल हॉस्पिटल रूल इस पे मत लगाइएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले आप इसको अपने बेसिक फंडामेंटल से सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. इतना हर बच्चा कर सकता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. उसके बाद नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स. और अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस फैक्टर की वजह से ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट हो रहा था वो फैक्टर यहां से रिमूव हो गया है. अब आपके पास फाइनली बचा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 3. तो बच्चों एक्स आप पाई बाय 2 डाल दीजिए तो साइन पाई बाय 2 1 साइन पाई बाय 2 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बाय 3 इज 1. तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1. अगेन बच्चों अब हम LHL निकाल चुके हैं, अब हम RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट की तरफ कंटिन्यू करेंगे. दिस इज x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 प्लस, तो ये हो जाएगा b टाइम्स 1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है अब आपको करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन अगर आप करने में कंफर्टेबल नहीं है या आपको कंसेप्ट नहीं पता है यहां पर कि करें कैसे, तो ऐसे केस में फिर बच्चों आप अगर लिमिट्स जानते हैं क्लास 11th की तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन मतलब x माइनस पाई बाई 2 को आप t पुट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो भैया फिर आप h वाले कंसेप्ट पे वापस चले आइएगा. आप लिखिएगा कि अगर x पाई बाई 2 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, पाई बाई 2 प्लस h. ठीक, जहां पर h किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ. तो बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा. अगर आपको क्लास 11th की लिमिट नहीं आती है तो हमारा वाला जो तरीका था वो फिर आप अप्लाई करने लगेगा. यानी आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें क्या करेंगे आप, जहां जहां x है उस x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 प्लस x से. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, पाई बाय 2 प्लस x से आप रिप्लेस करेंगे. उसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व करते रहिए. b टाइम्स 1 sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसी का भी साइन लेते हैं तो पॉजिटिव होगा. पाई बाय 2 पे नेचर बदल जाएगा, दिस इज cos h होल डिवाइडेड बाय, देखिए ध्यान से, पाई माइनस 2 * पाई बाय 2 दिस इज पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर. ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 b टाइम्स 1 माइनस cos h होल डिवाइडेड बाय, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2h का स्क्वायर यानी कि 4h का स्क्वायर. तो बच्चों अब आप इसको करते रहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा. इतनी लिमिट्स हर बच्चा जानता होगा सॉल्व करने का कंसेप्ट. ओके, तो बच्चों cos h क्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h बाय 2, ये देखो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, अपॉन 4h स्क्वायर. तो बच्चों ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, b टाइम्स 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, 2 sin स्क्वायर h बाय 2, 2 sin स्क्वायर h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर. अब अगर कोई बच्चा सॉल्व कर चुका है तो जरा इसका आंसर कोई बता दो, जरा जगह कम बची है लिख नहीं पाएंगे. तो b टाइम्स तो ये हो गया sin h बाय 2 into sin h बाय 2, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, नीचे 2h स्क्वायर का, 2 2 जा 4, नीचे से कैंसिल कर दिया मैंने, नीचे जो h स्क्वायर है उस h स्क्वायर को मैंने h into h लिख दिया है. ठीक है, अब क्या करूंगा, स्टैंडर्ड जनरेट करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. ओके, यहां तक क्लियर. अब बच्चों आप चेक कर सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है ये 1 हो गया और ये वाला पार्ट भी आपका 1 हो गया. ठीक है, तो अब आपका क्या निकल के आया बच्चों, दिस कम्स आउट टू बी बी अपॉन 8, बी अपॉन 8 ये हो गया बच्चों. तो यहां तक का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा. अब बच्चों करना कुछ नहीं है, अब आप अपना डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखेंगे. क्या था डिफाइनिंग रिलेशनशिप, कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2. सारी वैल्यूज बच्चों पुट कर दो. सबसे पहला LHL लिमिट कितना आया है, 1, तो उसकी जगह आप 1 पुट कर दीजिए. और फिर RHL लिमिट कितना आया है, b/8, b/8 पुट कर दीजिए. उसके बाद
क्या है एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू है बच्चों आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब यहां से बच्चों ए और बी की वैल्यूज आपकी निकल आएंगी। तो बच्चों क्वेश्चन किस तरह से करना होता है ये अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन करने को क्या वे होता है, किस तरह से लिमिट्स निकालते हैं। बेसिकली आपको एच वाले कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर होने चाहिए ताकि आप उसको मौके पर लगा पाए। एच वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो वहां पर आप लिमिट्स को सॉल्व करने में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को यहां तक 100% क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप चेक कर लीजिए आपके पास कोई क्लास का नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना, अभी भी हमको बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं दिस इज ऑल ऑफ बोर्ड्स, ये सभी बोर्ड्स के ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 1 cos 2x / 2x² when x is less than 0, x equal to 0 पर इसकी वैल्यू है k, और जब x greater than 0 है तो इसकी वैल्यू है x upon mod x। तो बच्चों आपको क्लियर कट है क्वेश्चन की x equal to 0 पर आप कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, और यहां पर k दिया गया है, that means फंक्शन आपका ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, इट मींस आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप k की वैल्यू अपने आप से भी निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx, और बच्चों ये तो आप सॉल्व कर करके पक गए होंगे इस पे, दिस इज x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1 - 1 - 2 sin² x / 2x². तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस दिस इज 2 sin² x, दैट मींस sin x (sin x) / x² दिस इज x (x). नीचे 2 भी था क्या, 2 भी है। ओके तो बच्चों इसको आप चेक कर लो, मैंने जितने भी स्टेप्स अभी लिखे हैं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो भी सकता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये sin x / x sin x / x ये फॉर्म बन जाएगा और इसका आंसर आएगा 1। RHL लिमिट सॉल्व करिए, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, तो 0 प्लस fx कहां है, 0 प्लस द फंक्शन यानी x / mod x। और बच्चों यहां पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, ऑलरेडी गिवन है कि x आपका 0 से बड़ा है, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तो बच्चों मॉड x में अगर x 0 से बड़ा हो तो उसका मॉड किससे खुलेगा, उसका मॉड खुलेगा पॉजिटिव साइन से, दैट मींस ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मींस x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx is equal to limit x standing towards 0 plus fx is equal to f0 which is equal to 1, ठीक है ना, यानी f0 की वैल्यू क्या है, k। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 आ गई, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन है आपका fx is equal to mod x upon x when x is not equal to 0, और ये दिया है 1 जब x equal to 0। तो बच्चों आपको टेस्ट करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी x equal to 0 पर, x equal to 0 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, और इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे h वाले कंसेप्ट्स। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत होता है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस fx, यानी x आपका क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो कितना छोटा है, दैट इज 0 माइनस h, ठीक। दैट मींस आप यहां पे लिखेंगे f ऑफ माइनस h, और सभी बच्चों को पता है कि f ऑफ माइनस h जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो बच्चों अगर आप f ऑफ माइनस h लिखेंगे तो यहां पे कंफ्यूजन आता है,
तो f ऑफ माइनस h लिखेंगे कहां से, चाहे जीरो से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो, फंक्शन तो आप ऊपर ही वाला लेंगे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला। तो बच्चों ये है क्या, मॉड x अपॉन x है, उसमें आप क्या करेंगे x को रिप्लेस किससे करेंगे, माइनस h से। ध्यान से देखिएगा x को किससे रिप्लेस करेंगे मॉड x अपॉन x में, माइनस h में। और सबसे बड़ी बात आप लोग सभी जानते हैं कि मॉड ऑफ के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे मॉड ऑफ माइनस एच है तो वो तो एच ही कहलाएगा, अपॉन माइनस एच दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हो जाता है, आप ये देख लीजिएगा। आरएचएल लिमिट, आरएचएल में आप क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट जीरो प्लस, जीरो से बड़ा है, कितना बड़ा है जीरो प्लस एच, जहां पर h अप्रोच करता है जीरो की तरफ, ठीक है। तो दैट इज लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, यानी कि fh, fh क्या होगा बच्चों, फंक्शन तो एक ही आपका मॉड x अपॉन x, उसमें क्या करेंगे आप fh डालेंगे, यानी कि जहां जहां x है उसको h से रिप्लेस कर देंगे, और बच्चों मॉड h तो h ही कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज h अपॉन h, h अपॉन h क्या कहलाएगा, दिस इज इक्वल टू वन, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। इसका मतलब बच्चों आपका जो LHL और RHL लिमिट है ये इक्वल ही नहीं आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन तब भी बच्चे एग्जाम में काफी सारे बच्चे इसको कंटिन्यूअस लिख करके आते हैं, ओके। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर आप चाहें तो फंक्शन की डेफिनेशन को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं तो आपसे और जल्दी हो सकता है, या आपको उसका आइडिया हो कि फंक्शन को डिफाइन कर ले जाए। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप फिर 0 प्लस 0 माइनस उस पर मॉड एक्स का साइन डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप एच वाले पर रहेंगे तो एच वाले कंसेप्ट से इस तरह से क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कंटिन्यूटी क्वेश्चन कैसे किया जाए। हाँ बेटा बताइए सर, आईडी आ गई पीएमएस सर की, आ गई, ओके ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास यहाँ, ठीक है बच्चों अब हम लोग क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं।